निकल पड़े हैं हम अहमदाबाद की सड़कों पर, वो भी रात में। हमें नहीं पता आगे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम बस चल रहे हैं। और सबसे अजीब बात यहाँ पे ये है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमने स्वेटर भी नहीं डाले हैं। अलीशा भी हमारे साथ है, नितिन भी फाइनली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हम अभी खा पी के आए हैं, आई डोंट नो खाने वाली मार्केट में क्या खाना। नहीं नहीं, अभी हमें तो पता नहीं है, हम तो ऐसे गूगल नियर बाय देख रहे थे, तो गूगल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक नाइट मार्केट है अहमदाबाद में हमारे होटल के आसपास, तो हम जस्ट तलाशने जा रहे हैं, जो कि 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं। और हम तलाशने निकले हैं सिर्फ गूगल के भरोसे। चलते चलते काफी देर हो गई है हमें, 10 मिनट हो गए हार्डली, और अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखो गूगल दिखा रहा है कि यहाँ पे रश वाली मार्केट है। कहाँ पे है वैसे? नहीं, 350 मीटर दिखा रहा है, बट पता नहीं, हम तो तलाशने जा रहे हैं, कहते हैं नाइट स्ट्रीट मार्केट है। उम्मीद तो नहीं है, कोरोना के टाइम पे अगर हुई भी तो उखड़ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अंधेरे में चिराग लेके ढूंढ रहे हैं, चिराग की पानी की बोतल लेके ढूंढ रहे हैं। बट अगर आप कहीं भी नए शहर में जाते हो तो ऐसे एडवेंचर करने में ही अपना मजा है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सैर हो जाएगी रात की। खाने के बाद तो वैसे भी सैर करनी जरूरी है। नितिन तो ऐसे भी फिटनेस पे है, आपको पता ही है। हाँ, ये पेट ऐसे बढ़ रहा है जैसे 8 महीने का। 8 महीने का, यू नो। अभी हम एक चौक पे पहुंचे हैं, यहाँ पे मतलब दूर दूर तक कोई पैदल नहीं चलता दिखाई दे रहा है, सिवाय हमारे। लोग जा रहे हैं अपने व्हीकल पे हैं, पैदल नहीं है। और नितिन अपने अलग ही जोश में दिखाई दे रहे हैं, आज तो मोर्चा मार के ही रहेंगे, क्यों नितिन? क्या मोर्चा? जब व्यूअर्स को शक्ल तक नहीं दिख रही तो क्या ही मोर्चा। वैसे भी अगर हम शक्ल दिखा भी देंगे तो भी क्या दिखने वाला है, कोरोना जी ने हमारा मुंह वैसे ही ढांक रखा है। मैंने तिरंग लाई, गूगल महाराज जी ने हमें सही जगह पे पहुंचा दिया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इतनी रोशनी है, ये स्ट्रीट मार्केट ही रहे नाइट की। और व्हाट हैपेंड, क्या हो गया अलीशा बेटा? हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे बेटे, हम आ गए। ये जो है स्ट्रीट मार्केट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे लोग हैं, मतलब इतना रश नहीं है, शायद ये कोरोना के कारण है जो हमें देखने को मिल सकता है। नहीं, ये लॉ गार्डन बेसिकली है, वो जगह लॉ गार्डन नाइट स्ट्रीट मार्केट कहा जाता है इसे। चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आगे। ये साइड में आप जो मेरे दाहिनी तरफ बाईं तरफ देख पा रहे हैं वो गार्डन है, और इस तरफ है आपका नाइट स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स लगी हुई हैं। ये दोनों ही बराबर चलते रहते हैं, शायद लॉ गार्डन में अभी एंट्री ना हो, डे टाइम ही रहती है, लेकिन यहाँ भी खाने पीने की चीजें आपको हमेशा 24/7 मिलेगी। क्या चीज है? बादाम वाला दूध। अरे वाह, कढ़ाई दूध। और ये स्पेशल कुल्लड़ में मिलता है। ओके ओके। और ये यहाँ पे, ये तो जूसेस के लिए, शायद रात को भी लोग जूसेस पीते हैं। ओके जी, ओके ओके ओके। आपने देखा मेरे पीछे, देख सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर भी है वाड़ीलाल का, और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। नितिन आगे दिखाइए प्लीज। यहाँ पे साउथ इंडियन है, क्योंकि मैं वैसे मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो देख के बता सकते हो कि साउथ इंडियन है। भैया साउथ इंडियन है जी, बिल्कुल सही बात है, साउथ इंडियन है यहाँ पे। और नाइट में भी, और आगे बाकी आई थिंक मैं खाना खा के नहीं आती, तो मैं जरूर ट्राई करती कुछ ना कुछ, लेकिन नेक्स्ट डे जरूर सोचेंगे। अभी मैं बता सकता हूँ आगे और क्या क्या है। मुझे नहीं पता, नितिन बताइए, नितिन प्लीज बताइए। तो बेसिकली ये जो मैं गूगल पे रिसर्च कर रहा था, इस स्ट्रीट का नाम है हैप्पी स्ट्रीट। जैसे यहाँ पे सारे हैप्पी ही दिख रहे हैं वैसे एक्चुअल में। क्यों नहीं हैप्पी होंगे, क्योंकि खाने को बहुत कुछ मिल रहा है, आपकी तरह ही है। ये हैप्पी स्ट्रीट है, मार्केट है जहाँ पे खूब रौनक मेला लगा हुआ अभी, और अभी तो आगे चल के बच्चों की चीजें भी दिख रही है मुझे। और बच्चों की चीजों से याद है अलीशा, अभी से ही तिलमिला उठी है, पूरा तंग कर रही है, पूरा फायदा उठा रही है। तो ये देखो क्रिसमस की शॉपिंग,
मास्क उतार तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे चनिया चोली मिल रही है, और ये चनिया चोली ये देखिए यहाँ पे घाघरे है, कितने कितने के हैं? 500-500 की घाघरे। और ये ब्लाउज के साथ सेट लेना हो पूरा तो कितने का पड़ेगा? अच्छा आपको मूना है, ठीक है ठीक है। वैसे आप मुझे बताएंगे कि कितने का पड़ेगा सेट? 1200 रुपए का। ये गुजराती स्टाइल है थोड़ा, ट्रेडिशनल। मार्केट तो बहुत हैपनिंग है, लेकिन इसका टाइम अभी 11 बज चुके हैं, रात के तो बंद हो रही है। तो ये गुजरात की मेरे को तो बहुत ही खूबसूरत मार्केट लगी है, अहमदाबाद की स्पेसिफिकली। रात को अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इस एरिया में आइए और इस मार्केट का एंजॉय लीजिए। खूब रौनक लगी हुई है, आप देख पा रहे हो मेरे चारों ओर, और सबसे बड़ी बात है खाने पीने की खूब ऑप्शन है। एलिशा तंगोरी एक्चुअली इसको चीजियाँ दिख रही है, इतनी अट्रैक्ट कर रही है, बच्चे के लिए फुल अट्रैक्शन है। यहाँ पे देखो पूरा ट्रेडिशनल पीछे गुजरात के कपड़े, क्लोथ्स, बैग्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज सब मिल रहा है यहाँ पे। गुजराती स्टाइल क्या क्या रेट है इसका? 450 अच्छा। और इधर जो झुमकियां लगी है वो सारे अलग अलग रेट है? अलग अलग रेट है, ओके। ले ले अगर अच्छा लग रहा जो, अगर डिफरेंट हो तभी लेना। पर अच्छा जी सो इनका कॉन्फिडेंस से पता लग रहा है कि खूब मार्केट चलती है इनकी अच्छी बात है। हाँ अभी तो तुम मान ही रही थी, जबरदस्ती खींच के लाया हूँ। अलीशा कम बेटा मेरे साथ आओ, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। लेट काफ़ी हो जाने की वजह से अभी मार्केट में अभी ये सेल भी करना बंद कर दिया इन्होंने, बट बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अहमदाबाद में। हम आपके लिए वही चीज़ें लेके आ रहे हैं जो डिफरेंट है, यू नो आपको गूगल करके वो सारी चीज़ें देखने को तो मिल जाएंगी कि आप साबरमती आश्रम जाइए, आप फलाना लेक जाइए, या फिर आप अक्षरधाम जाइए, लेकिन हम वो चीज़ें आपके साथ लेके आ रहे हैं जो कि अहमदाबाद में आपको मस्ट टू डू चीज़ें हैं, जो आपको एक यू नो वेंडरर की तरह घूमते हुए मिलेंगी। तो उसमें से ये है एक लो स्ट्रीट हैप्पी स्ट्रीट जिसे कह देते हैं, वो वाली मार्केट। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, फैमिलीज के लिए काफी सारे आउटफिट मिलने को देखने को मिल सकते हैं। और गुजराती स्टाइल में चनिया चोली तो यहाँ पे काफी फेमस है, और मैंने यहाँ पे ज्वेलरी भी खरीदी है, और ज्वेलरी भी लाजवाब है। मतलब आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको प्राइस में डिफरेंस काफी नजर आएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मार्केट जो थोड़ी है वाइंड अप होने लगी है, हमने शॉपिंग कर ली है, हमने घूम लिया है काफी। आप जरूर यहाँ पे आइए और यहाँ पे लुक उठाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है, आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग। तो अहमदाबाद का हमारा सफर ऐसे ही जारी रहेगा, अभी आपके साथ और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आने वाले हैं।
सीरीज में। अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। लव यू ऑल।